सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पुराने वीडियो में संज्ञा पढ़ी थी, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, आज हम उसके भेद पढ़ेंगे। शुरू करते हैं संज्ञा के भेद से। संज्ञा के भेद, हमारे व्याकरण में हिंदी भाषा में संज्ञा के तीन भेद बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम दिल्ली जाता है। बच्चों, हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे राम क्या है? व्यक्ति। दिल्ली स्थान, ये हमारा हो गया राम, हो गया व्यक्ति। दिल्ली हो गया स्थान, जाता है राम दिल्ली जाता है। इसमें विशेष व्यक्ति की किसी पर नाम लेके बताया जा रहा है, मतलब राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिल्ली जा रहा है, इसलिए, और विशेष स्थान दिल्ली जा रहा है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नंबर दो आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा, सीता फल खाती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता फल खाती है, तो सीता क्या खा रही है? फल खा रही है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा कि वो आम खा रही है, सेब खा रही है, या किसी फल का नाम नहीं दिया है। फल किसी भी फल को वो खा रही है, यानी फल के पूरी जाति के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद हमारा आता है नंबर तीन भाववाचक संज्ञा। भाव वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। भाव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जिस किसी व्यक्ति के मन के भावों को हम जैसे व्यक्त करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज मैं खुश हूँ, ये हमारे मन के भाव है कि आज मैं खुश हूँ, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। बच्चों, हमारे व्याकरण में हिंदी भाषा में दो और संज्ञा का, संज्ञा के भेदों के बारे में बताया गया है, जिसमें चौथा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे घी, तेल, पानी, दूध, सोना, जिन चीजों को हम नाम तौर करते हैं, या जिन, या जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, सोना, चांदी, ये सबको हम नाम तौर करके उसका अनुमान लगाते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमारे व्याकरण में एक और संज्ञा के भेद के बारे में बताया गया है, वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी विशेष समूह के बारे में बात की जाए।
सेना, सेना में पूरी सेना किसी एक अधिकारी या किसी एक सिपाही के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरी सेना के बारे में बात कही जा रही है, तो वहां पर होता है समूहवाचक संज्ञा। जहां पे हम पूरे समूह के बारे में बात करें उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको संज्ञा के